आज गणतंत्र दिवस के पर्व पर VSSD कॉलेज मैदान में पंडित राम किशोर शुक्ला मेमोरियल थर्ड सद्भावना कप का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें 4 टीमों ने भाग लिया। मूलचंद वर्मा, इकबाल बहादुर श्रीवास्तव, जगदीश लाल भाटिया व श्याम लाल गुप्ता टीमें उपस्थित रहीं। फाइनल मैच श्याम लाल गुप्ता व इकबाल बहादुर श्रीवास्तव के मध्य खेला गया, जिसमें श्यामलाल गुप्ता ने 4 विकेट से जीत दर्ज की। इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रमुख रूप से निहाल अहमद, मनीष त्रिपाठी, अभिजीत गुप्ता, रानू व गौरव गुप्ता ओलंपिक यार्ड के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित हुए सुधीर शुक्ला, लल्ला मम्मा, देवकिशोर शुक्ला, अक्खू भाई व बॉबी पाठक, सतीश निगम व मुख्य अतिथि के रूप में कल्याणपुर की विधायिका नीलिमा कटियार जी भी उपस्थित हुईं। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। आज कहाँ पर आई हैं, क्या कार्यक्रम हुआ? ये हमारा SD कॉलेज का ग्राउंड है और हमारे नवाबगंज का जो आदर्श व्यापार मंडल और युवा एकता मंच, इनके माध्यम से एक सद्भावना मैच का आयोजन। और ये लगातार तीसरा साल है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये हमारा नवाबगंज का जो व्यापार मंडल है ये यहाँ पर सद्भावना मैच का आयोजन करता है। और बिल्कुल ये उसी कड़ी के रूप में हम इसे देख सकते हैं जो सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो ये खेल का रोमांच, खेल की ऊर्जा और खेल से जो फिटनेस की बात है वो हर एक सेक्टर, हर एक वर्ग के अंदर, हर एक स्थान के अंदर वो विस्तारित हुई है। और उसी प्रेरणा के रूप में ये सद्भावना मैच हम देख रहे हैं। इस सद्भावना मैच के माध्यम से एक फ्रेंडली मैच हो रहा है, एक सौहार्द गेम स्पिरिट के अंदर ये यहाँ पर हो रहा है। और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से आज यहाँ इस अवसर पर, क्योंकि ये हमारा 74वां गणतंत्र दिवस है और साथ ही साथ आज बसंत पंचमी भी है, तो ये अमृत महोत्सव काल का गणतंत्र दिवस है। तो अमृत महोत्सव काल के इस गणतंत्र दिवस पर, 74वें गणतंत्र दिवस पर और हमारे नवाबगंज के आदर्श व्यापार मंडल के सद्भावना मैच के आयोजन के अवसर पर मैं आप सभी जो इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं सभी को इस अपने राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। कोपल लेकर भोजन व्यवस्था का आनंद लें। मैं मनोज शुक्ला, आदर्श व्यापार मंडल का चेयरमैन हूँ। विगत 3 वर्षों से ये मैच हमारे बाबा स्वर्गीय श्री राम किशोर शुक्ला बैरिस्टर साहब के याद में हम लोग मनाते हैं। इसमें हमारे निहाल जी का पूरा योगदान है, ये संयोजक है। संरक्षण मंडल में हमारे अतुल कृष्ण जी श्रीवास्तव, इनका भी पूर्ण योगदान रहता है। हर प्रकार का योगदान में आर्थिक, शारीरिक, पूरी इनकी मदद रहती है। ये हमारे ओलंपिक जी हैं, व्यापार मंडल के चेयरमैन भी हैं और इस मैच के कर्ता धर्ता भी हैं। मैच में कितनी टीमें खेल रही हैं? इस बार मैच में 4 टीमें खेल रही हैं, जिसमें से फाइनल में आदरणीय श्रीवास्तव जी की टीम और श्यामलाल गुप्ता जी की टीम फाइनल में इस समय खेल रही है। जो 2 टीमें आउट हो चुकी हैं वो एक भाटिया जी की टीम थी और एक हमारे मूलचंद वर्मा जी की टीम थी। जो टीम विजयी होगी उसको आज पुरस्कृत करेंगे, क्या नगद राशि भी प्रोत्साहन के लिए दी जाएगी? नगद राशि हम लोग पुरस्कृत नहीं करते हैं, हम लोग उसके लिए शील्ड मेडल और बहुत सारे गिफ्ट हैं जो उन टीम वालों को दिए जाएंगे। हम लोग कोशिश करते हैं जो टीम विजेता है, उप विजेता है या जो हारी है, सभी को प्राइज देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक सद्भावना मैच है, हार जीत लगी रहती है। हम लोगों का प्रयास है कि खेल हो। जो आज बच्चे वीडियो गेम, मोबाइल उसमें घुस चुके हैं, उनको वापस क्रिकेट और मैदान में आने के लिए प्रेरित करना हम लोगों का वो है। क्या ये हर वर्ष गणतंत्र दिवस वाले दिन मैच होता है? ये हर वर्ष गणतंत्र दिवस वाले ही दिन होता है और इस दिन, क्योंकि हम लोग बाजार के सब लोग हैं, नवाबगंज बाजार बंद रहती है काफ़ी कुछ, और सभी लोग यहाँ आके इसका आनंद ले पाते हैं हर वर्ष।